बद्दी में गणपति मूर्ति विसर्जन के दौरान एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। बद्दी में पंखा उद्योग द्वारा गणपति विसर्जन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर उद्योग में कार्यरत कामगारों ने मूर्ति को सरसा नदी में विसर्जन के लिए ले गया। विसर्जन के दौरान मूर्ति एक तरफ पलट गई और उद्योग में कार्यरत आनंद कुमार मूर्ति के नीचे आ गया। मूर्ति के दबाव के कारण आनंद कुमार पानी में डूब गया। आनंद कुमार को मजदूरों ने पानी से निकाला और अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बद्दी में पंखा उद्योग द्वारा आयोजित गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान कंपनी में कार्यरत कामगार की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बद्दी में स्थित पंखा उद्योग यश अप्लायंस द्वारा गणेश विसर्जन का कार्यक्रम रखा गया था। उद्योग के कामगारों द्वारा गणेश मूर्ति को उद्योग से शीतलपुर पुल के नजदीक सरसा नदी में विसर्जन के लिए ले जाया गया। वहीं विसर्जन के दौरान गणेश जी की मूर्ति एक तरफ पलट जाने के कारण मची अफरा तफरी में उद्योग में कार्यरत बिहार के छपरा जिला का 23 वर्षीय आनंद कुमार डूब गया, जिसे अन्य मजदूरों द्वारा पानी से निकालकर बद्दी CHC में उपचार के लिए ले जाया गया। डॉक्टरों ने आनंद कुमार की जाँच की तो वो मृत पाया गया। उसके बाद CHC के डॉक्टरों ने थाना बद्दी में सूचना दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए बद्दी पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ भेज दिया। मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है। वहीं इस मामले में मृतक के बड़े भाई परमाराम धर्मरतन और यश कंपनी बद्दी के HR विनोद कुमार, सतपाल, संजीव, अंकुश और अनिल कुमार से पुलिस जानकारी ले रही है। मामले की पुष्टि करते हुए ASP बद्दी NK शर्मा ने बताया कि आनंद कुमार की डूबने से मौत हुई है, जिसके शव को पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। उन्होंने कहा कि धारा 174 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। शीतलपुर पुल के नीचे सरसा नदी में गणेश विसर्जन के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। मृतक का नाम आनंद कुमार, जिला छपरा बिहार मालूम हुआ है। मृतक का शव विच्छेदन करवाकर शव इसके परिजनों को सौंप दिया गया है। इसमें हमने एक मामला दर्ज किया है और इसके मामले की जांच जारी है। अभी तक तो ये डूबने से हुई मृत्यु का मामला पाया जा रहा है, फिर भी इसमें जांच की जा रही है। सिटी चैनल के लिए बद्दी से आदित्य चड्ढा की रिपोर्ट।